पहली बात मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने कहा है खेल निराला जो पैनल सिस्टम इलेक्शन करके भिवंडी में अजब से गजब कर डाला, जिसको नहीं चुनकर जाना चाहिए कॉरपोरेशन में उसको भी जितवा कर भेज डाला। ये सब हेलो दोस्तों, मैं जाहिद मोमिन भिवंडी टाइम से। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 10 सागर प्लाजा से गैबी नगर की तरफ जो रोड जाता है उस रोड पर। यहाँ पर कुछ स्थानिक लोगों की द्वारा सफाई का काम चालू है, आइए आपको दिखाते हैं। हम खड़े इस वक्त नूर मस्जिद सलामतपुरा, ये यहाँ से लोगों ने सफाई का काम चालू किया है, आइए देखते। दोस्तों, यहाँ से गुजरते वक्त हमने देखा कि ये जो रोड है सागर प्लाजा का रोड जो कि गैबी नगर की तरफ जाता है, तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, गटर के किनारे जो कीचड़ जमा है तो उन लोगों ने गटर में से जो कीचड़ था उसको निकाल कर बाहर जमा किया। देखिए यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं लाल टी शर्ट में, और थोड़ा आगे जाने के बाद हमने देखा कि वही लोग जो लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं वो लोग गटर को साफ़ करने में मसरूफ़ हैं। और थोड़ा करीब जाने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि ये जो लोग हैं और जिन लोगों ने ये साफ़ सफाई की है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। तो ये देखने के बाद हमें खुशी हुई कि यहाँ पर साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो हमने सोचा कि इस वीडियो को, इस बात को भिवंडी की आवाम तक पहुँचाया जाए। आप देखिए यहाँ पर आगे थोड़ा, यहाँ पर भी कुछ लोग साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, उन्होंने ये साफ़ सफाई का काम किया है। ये जो काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? पहली बात मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने कहा है खेल निराला जो पैनल सिस्टम इलेक्शन करके भिवंडी में अजब से गजब कर डाला, जिसको नहीं चुनकर जाना चाहिए कॉरपोरेशन में उसको भी जितवा कर भेज डाला। ये सब उसी का नतीजा है कि आज जो इस तरह के न जाने पूरे भिवंडी में कितने मामले और कितने मसले हैं, एक नगर सेवक दूसरे नगर सेवक के आरोप लगाता है, दूसरा तीसरे पे लगाता है, और ये लापरवाही का नतीजा ऐसा है कि हर जगह गटर चौकअप है, न गली में ब्लॉक है, न कहीं पे कोई साफ़ सफाई का मामला है। वो सब पूरा पानी उतर के किसी न किसी के गरीब के घर में जाता है, जो सोने के बजाय वो अपने बच्चे के साथ, अपनी औरत के साथ रात दिन पानी को घर से बाहर निकालता है। ये सब पूरी जो लापरवाही के खिलाफ जब जनता थक गई है, तब जनता ये आमदार से, ये काम जो नगर सेवक कॉरपोरेशन का काम है वो एक आमदार से उम्मीद लगाई, तो आमदार की जो सेना है, जो समाजवादी पार्टी की टीम है, ये प्राइवेट आदमी लगा के एक काम को कर रही है ताकि आने वाली जनता को राहत हो। और कुछ क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो नगर सेवक हैं, यही नगर सेवक हैं जो इस पर ड्रेनेज का काम होता है तो आ जाते हैं कि भाई मैं काम करवा रहा हूँ, क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट लो, तो इसकी भी क्रेडिट लेने आओ ना। जो लोग हैरान है, जो लोग परेशान है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, घर में से पानी निकाल रहे हैं, आज ये गटर का मामला आज का है, न जाने कितने साल का मामला है, और ऐसा मामला कहीं ना कहीं पूरे भिवंडी में हर वार्ड में पड़ा है। मैं तो यहाँ तक कर बोलना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जो महाराष्ट्र का इलेक्शन कमीशन है वो आने वाले वक्त में सिंगल पैनल इलेक्शन करवाए। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे वार्ड, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो एक दूसरे पर डालते हैं और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, इसकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है।